उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कैरियर के साथ होंगे एंड आई वेलकम टुडे टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में टॉपिक को एंडेडिकंज्यूमर लर्निंग और यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हो गया था टूडे वी विलियन फीचर लर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने लर्निंग के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था लर्निंग के टॉपिक के अंदर हमने क्या -क्या सब को किया है आइए मैं आपको एक छोटी सी समझ देता जाऊँ जा। कि लर्निंग के टॉपिक के अंदर हमने कौन कौन से सब टॉपिक्स को इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स लर्निंग uh, के अंदर सबसे पहले हम एक बुनियादी सी डिस्कशन करेंगे लर्निंग को अंडरस्टैंड करने की कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट को क्यूँ जरूरत पड़ती है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग को एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग के अंदर हमने चार टॉपिक्स को इंक्लूड किया है मोटिवेशन नंबर टू क्यूज नंबर थ्री रिस्पॉन्स एंड री इन्फोर्समेंट स्टूडेंट्स यहां से जब हम बात आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको दो इम्पोर्टेंट थेरीज के बारे में बताऊंगा जो लर्निंग के फिनोमोना को एक्सप्लेन करती है दीज टू इम्पोर्टेंट थेरीज आर कॉल्ड नंबर वन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड नंबर टू इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्टूडेंट्स आइए लर्निंग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं

ये बताना बहुत जरूरी होता है कि एक खास प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं या एक खास प्रोडक्ट मार्केट में पाई जाती है और ये बात समझाने के लिए मार्केटियर्स क्या करते हैं जी हाँ हमने अब तक कंज्यूमर साइकोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमारा ज्यादातर जेर बहस मौजूद ये रहा है कि मार्केटियर्स अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को किस तरह से बेहतर से बेहतर तरीके से बता सकते हैं और इस टॉपिक को समझते समझते हमने बेशुमार बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और इसके अलावा बेशुमार दूसरे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जो कंज्यूम मार्केट साइकोलॉजिस्ट को ये सिखाते हैं कि कंज्यूमर्स को किस तरह से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए और उस अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से समझाया जाए जी हाँ कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट लर्निंग एंड वाइल देर लर्निंग अबाउट लर्निंग दे वॉन्ट टू नो कि कंज्यूमर्स को किस तरह से مختلف चीजें सिखाई जाए स्टूडेंट्स अब हम प्रोडक्ट से बात आगे बढ़ाते हैं तो मार्केटियर्स को हमेशा से एक दिलचस्पी ये भी होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में अपने टारगेट कंज्यूमर्स को बता सकें प्रोडक्ट्स के बेशुमार एट्रब्यूट्स होते हैं उनकी बेशुमार खसूसियात होती हैं और मार्किटियर्स किस तरीके से उन खसूसियात को डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से उन खसूसियात को एक एडवर्टीजमेंट की शक्ल में पेश करते हैं ताकि वह कंज्यूमर्स को जब उनके पास पहुंचे वो मटेरियल तो कंज्यूमर्स डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसके साथ एसोसिएट कर सकें जिस इन्फॉर्मेशन के साथ कंज्यूमर्स एसोसिएट कर सकेंगे उस इंफॉमेशन को वो याद रखेंगे और चांसेस हैं कि वो इन्फॉर्मेश वो इन्फॉर्मेशन जब उनके जहन में होगी तो वो उसकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे भी स्टूडेंट्स यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो हर प्रोडक्ट के बारे में आपको अमूमन ऐसा लिटरेचर मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को आपने किस तरह से मेंटेन करना है मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको गाड़ी के साथ एक बुकलेट मिलती है और उस बुकलेट में डिटेल में ये बताया होता है कि इस गाड़ी को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है और इस गाड़ी का बेस्ट बेनिफिट किस तरह से उठाया जा सकता है क्या आपने कभी वो बुकलेट्स खोल के देखी या इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें जो आप खरीदते होंगे उनके साथ आपको कुछ मेंटेनेंस बुकलेट्स भी मिलती है जी हाँ क्या आपने कभी उन मेंटेनेंस बुकलेट्स को खोलने की कोशिश की या उनको पढ़ने की कोशिश की स्टूडेंट्स जब आप उन मेंटेनेंस बुकलेट्स को खोलेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन बुकलेट्स में ज्यादातर इस किस्म की इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि इस प्रोडक्ट को इसके बेस्ट बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए इसको किस तरह से मेंटेन किया जाए जब आप गाड़ी की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन एक होती है कि गाड़ी के टायरों में हवा कितनी होनी चाहिए या गाड़ी का ऑयल कितनी माइलेज के बाद चेंज होना चाहिए या गाड़ी को किस तरह से साफ करना चाहिए सो देअ सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द बुक लेट अबाउट हाउ टू मेंटेन दस और ये इन्फॉर्मेशन बात अवतुत बहुत टेक्निकल होती है और इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को समझना भी कंज्यूमर के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है सो so, मार्केटियर्स का एक टास्क ये भी होता है कि वो उस मेन्टेनेंस इन्फॉर्मेशन को कुछ ऐसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके कंज्यूमर्स इमिडिएटली उसको लर्न कर सके और जब मार्केटियर्स, uh, कंज्यूमर्स तो को कुछ चीज़ें लर्न करवाना चाहते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स यहां से अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो मार्केटियर्स, कंज्यूमर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है मिसाल के तौर तो पर अगर आप एक टेलीविजन खरीदते हैं तो टेलीविजन वूमन हम इस वजह से खरीदते हैं कि हम उसके ऊपर मुख्त प्रोग्राम्स को देख सकें लेकिन अगर आप एक टेलीविजन खरीद कर लाएंगे तो उसके अंदर बेशुमार फीचर्स होंगे आप अगर उन सारे फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आप उस टेलीविजन की बेस्ट क्वालिटी को इंजॉय कर सकें और उन सारे फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको उन फीचर्स के बारे में सीखना पड़ेगा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटियर्स टू टीच देयर टारगेट कंज्यूमर्स कि उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या बुनियादी बेनिफिट्स हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है स्टूडेंट्स यहां से बात जब आगे बढ़ती है तो मार्केट कंज्यूमर्स को यह भी बताना चाहते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को किस तरह बेहतर तरीके से परचेज कर सकते हैं अक्सर का ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स की प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं और उन एडवर्टाजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर और डिफरेंट एडवर्टाजमेंट्स के अंदर उन स्कीम्स को हाईलाइट किया जाता है लेकिन क्या उन स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंचती है अमूमन ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट्स के खरीदने पर कोई सेविंग्स प्लान भी अटैच किए जाते हैं या फिर इस किस्म की प्रोमोशनल स्कीम्स भी होती हैं कि आप इस प्रोडक्ट के अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड में इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो इसकी प्राइस इतनी होगी और उस टाइम पीरियड के बाद में अगर आप इसको खरीदेंगे तो हो सकता है कि इसकी प्राइस कुछ रिड्यूस हो जाए मिसाल के तौर पर जब भी कपड़ों के नए ब्रांड्स आते हैं या नए फैशन के कपड़े आते हैं तो सीजन के शुरू में वो बहुत महंगे होते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ वो सस्ते होना शुरू हो जाते हैं सो मार्केट यह लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कंज्यूमर्स को समझा सकें कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को किस तरह बेहतर तरीके से परचेज कर सकते हैं सो so, these are some of the features uh, which pertain to learning and consumer psychologists are always interested in knowing that learning ko kis tarah highlight la sakta advertisements and promotional schemes so consumers un hain products ke bare so i hope you understand ke marketers ko or consumer psychologists ko or marketing psychologists ko kyun importance, uh, uh क्यों ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो लर्निंग के बारे में जान इसका सिंपल सा जवाब ये है कि वो ये चाहते हैं कि कंज्यूमर्स उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में सीख सकें सो व्हाट इज द बेसिक वाइटल इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट ईयर दिस इज समथिंग लाइक दिस दे वॉन्ट टू टीच कंज्यूमर्स इफेक्टिवली हाउ टू प्रेफर ब्रांड्स एंड डिफ्रेंशिएट दे प्रोडक्ट्सिव ऑफर स्टूडेंट्स जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो जो एंटायर मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो बेस करती है इस बात पे कि कंज्यूमर्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए कम्युनिकेशन के रेफरेंस में जब हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स के दौरान तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा मकसद और स्ट्रेट मकसद ये होता है कि अगर मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूं तो मैं उस बात को कुछ इस तरह से अल्फाज के अंदर पेश करूँ कि वह बात डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए और आप उस बात को समझ लें जब आप उस बात को समझ लेंगे तो आप उस बात को अंडरस्टैंड कर देंगे और जो चीजें आपको समझ नहीं आती आप उसके बारे में मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर जो है वो हमेशा से सिग्नल्स भेजता है और रिसीवर उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद उसके जहन में कोई मीनिंग पैदा होता है और मीनिंग पैदा होने के बाद वो सेंडर को एक फीडबैक भेजता है जब हम मार्केटिंग को कम्युनिकेशन के रेफरेंस से देखते हैं मार्किटियर्स तो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन को कुछ इस तरह से डिजाइन करना कि वो अपने बेशुमार कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें या इनडायरेक्टली बेहतर तरीकों से कम्युनिकेट कर सकें सो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन तो मार्केटियर्स बात डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ और बाजात वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है जी हाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमेशा एडवर्टिमेंट के जरिए होती है जिसके अंदर मार्केटियर्स कंज्यूमर्स को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं और फिर उन फीचर्स और बेनिफिट्स को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर्स की नीड्स के साथ सो so, अगर आप देखें तो मार्केटियर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर का, का काम कर रहे होते हैं और सेंडर का, का काम बेहतर तरीके से करने से पहले उनको अपनी इंफॉर्मेशन को इतना इफेक्टिवली डिजाइन करना पड़ता है कि वह इंफॉर्मेशन टारगेट कंज्यूमर को समझ आए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जरिया होता है एडवर्टीजमेंट क्या आपके जहन में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए मार्केटियर्स इंडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ दैट्स वाइज दे इनडायरेक्टली कम्युनिकेट थ्रू देअर प्रोडक्ट अपेयरेंस पैकेजिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्राइसिंग जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप किसी इन्फ्लुएंस के जेरे असर एक खास प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमने मार्केटिंग के अंदर डिस्कस किया था प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेस के टॉपिक्स को ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन uh, के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देखें तो आप पैकेजिंग से बेशुमार इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और पैकेजिंग को भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहां से प्रोडक्ट जो है वो इवेंचुअली रिटेलर्स तक पहुंच रही है और रिटेलर्स से इवेंचुअली एंड यूजर के हाथों में पहुंच रही है और प्राइसिंग एक बहुत बेहतर जरिया होता है अपने टारगेट कंज्यूमर के साथ कम्यूनिकेट करने के लिए बात आपको सस्ती प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत होती है तो आपके लिए जो प्राइस है वो एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उस प्रोडक्ट के बारे में लेकिन हमने अपनी प्रोसीडिंग डिस्कशंस में यह भी देखा कि बाजार हायर प्राइस जो है डेट ऑल्सो सिग्नल साइन ऑफ सो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो महंगी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं और उस हिसाब से उन प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी भी चाहते हैं सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडाक्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट मीन्स प्रोडक्ट हेयरेंस प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज वेल एज प्राइसिंग स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और ये देख जानने की कोशिश करते हैं कि जो हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या चाहते हैं कि वो किस तरह से ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो और वो इफेक्टिव होने का मतलब क्या है जी हाँ मार्केटियर्स ऑलवेज वांट देयर कम्युनिकेशन टू बी नोटेड बिलीड रिमेंबर्ड एंड रिकॉर्ड ऑलवेज रिमेंबर दीज फोर वर्ड्स वेन एवर यूर टॉकिंग अबाउट एडवर्टिजमेंट स्ट्रेटेजीज यू शुड बी कंसर्न विद फोरवर्ड्स की आपकी वो एडवर्टिजमेंट जो है उसको लोग नोटिस करें इसके लिए मार्किटियर्स जब अपने बिलबोर्ड्स बनाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उन बिलबोर्ड्स को ऐसी जगह पे लगाया जाए जहां पर पासर बॉयस जो होते हैं उनको नोटिस करें और अमूमन ऐसी जगह जहां पर बेशुमार लोगों का गुजरना होता है वहां पर जब बिलबोर्ड लगाया जाता है तो उस जगह की प्राइस बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है मार्केटियर्स को आपने जगह तो हासिल कर ली जहां पर बेशुमार लोग गुजर रहे लेकिन अब आपकी कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि लोग उसके ऊपर बिलीव भी करें आप जो कहना चाह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन अपने कंज्यूमर्स को देना चाह रहे हैं लोगों का उनके उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसके साथ ही साथ जरूरत इस बात की होती है कि वो इन्फॉर्मेशन उनके जहन में बैठ जाए ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को याद रख सकें और जब भी वो प्रोडक्ट्स खरीदने जाए तो वो उनके जहन के किसी ऐसे हिस्से में पाई जाए कि वह आराम से उसको रिकॉल कर सकें सो मैन एंड मार्केट ईयर डिजाइनिंगजमेंट स्ट्रेटेजीज दे आर ऑलवेज कंसर्न देयर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी नोटेड बिलीव रिमेम्बर्ड एंड रिकॉर्ड आइए स्टूडेंट्स लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग के बारे में के लर्निंग के क्या बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं लर्निंग साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है और साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्टिंग कि लोगों को लर्निंग किस तरह से बेहतर से बेहतर तरीके से करवाई जा सकती है और इस लर्निंग के बेहतर तरीकों को ढूंढते वक्त साइकोलॉजिस्ट ये भी कोशिश करते हैं कि वह लर्निंग को किसी तरह से डिफाइन कर सकें जब आपके पास किसी प्रोसेस की या किसी फिनमिना की डेफिनेशन होती है तो आप उसको उसके रेक्विट एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और फिर उन एलिमेंट को इस तरह से मेनिपुलेट कर सकते हैं कि आप उस प्रोसेस को या तो हाई कर सकें या उसको इंप्रूव कर सकें या उसकी एफिशिएंसी को इनक्रीज कर सकें साइकोलॉजिस्ट बहुत अरसे लर्निंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से स्कूल्स ऑफ थाट साइकोलॉजी के अंदर आए, जिन्होंने लर्निंग को अपने अपने तरीकों से देखने की कोशिश की और इसको अपने अपने तरीके से मुख्तफ जज्बियात में डिवाइड करने की कोशिश की जिसकी वजह से अक्सर اوقات साइकोलॉजिस्ट के अंदर कंसेंस ज्यादा नहीं पाया जाता लर्निंग के बारे में और यू कैन अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिस्ट के, के दरमियान में अमूमन लर्निंग के डेफिनेशन के बारे में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यहां पर आप सोचते होंगे कि अगर साइकोलॉजिस्ट के दरमियान लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है तो हाउ कैन दे अंडरस्टैंड द लर्निंग डेफिनेटली अबाउट द कॉन्फ्फलिक्ट वॉइस मैन वन सेट के किसी जगह पर जब दो आदमी हमेशा एक दूसरे की बात मानते हैं तो वन ऑफ दोज पीपल इज अनेसरी जी हा किसी भी चीज के अंदर तरक्की करने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत जरूरी है However, point, जिसको कंज्यूमर साइकोलॉजी के रेफरेंस से हम देख सकते हैं और इस डेफिनेशन के ऊपर ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट का कंसेंसस भी होता है आइए देखते हैं वो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द परचेज एंड कंजम्पन नॉलेज

तो so, जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस के अंदर एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है विच मीन्स के प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है और एक सर्टेन पॉइंट तक ये अपने आप को इंप्रूव करता जाता है बिफोर दिस प्रोसेस हैज एक सो लर्निंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस जो एक खास कंडीशन के अंदर शुरू होता है और डेवलप होता है और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एज साइकोलॉजिस्ट एज मार्किटियर्स और एज स्टूडेंट ये होता है कि हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इस प्रोसेस के एंड पे अकम्पलिशमेंट जो है विच इज लर्निंग वो हो पाई या नहीं हो पाई या अगर हो पाई तो वो कितनी इफेक्टिव थी द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन बॉज दैट आफ्टर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस देर शुड बी सम चेंज एंड दैट चेंज शुड बी देयर बिकॉज ऑफ सम न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये बताता हूं कि लर्निंग की ये डेफिनेशन है और लर्निंग के ये एलिमेंट्स हैं तो आप हो सकता है कि उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर दे लेकिन इस डेफिनेशन को और इस टेक्निकल नॉलेज को इस्तेमाल करके आप अपने सरकमस्टेंसिस को इंप्रूव कर सकते हैं आप अपनी मार्केटिंग टेक्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं आपके अंदर एक मार्किटिंग मैंटेलिटी पैदा हो सकती जिस हिसाब से जिसके हिसाब से आप हमेशा प्रोडक्ट्स को कुछ इस नजरिए से देखेंगे कि हम प्रोडक्ट्स को किस तरह बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं सो so, जब आपके अंदर ये लर्निंग पैदा हो जाएगी तो आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आएगी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ब्रॉडन होगा और आपकी आउटलुक जो है एज अ मार्केट ही थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएगी सो एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपके बिहेवियर पैटर्न के अंदर कुछ चेंज आएगी एंड दिज विल बी न्यूली एक्वायर्ड चेंजेस स्टूडेंट्स जो तीसरा एस्पेक्ट हम डेफिनेशन में डिस्कस किया दैर इज न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज एक्सपीरियंस विच सर्व्स एज फीडबैक जी हाँ जब भी हम नया नॉलेज हासिल करते हैं हम, हम उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं या फिर हम अपने नए एक्सपीरियंसेस को उस नए नॉलेज के रेफरेंस से देखना शुरू कर देते हैं और जब ये दोनों चीजें आपस में कंबाइंड होती हैं तो फीडबैक मिल, मिलता है इन द शेप ऑफ बेटर लर्निंग सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देश आपके पास फीडबैक आता है तो फिर आप उस फीडबैक की बेसिस के ऊपर सिचुएशन के अंदर अपने बिहेवियर पैटर्न को इम्प्रूव करते हैं और आप फ्यूचर सिचुएशन के अंदर ज्यादा बेहतर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं उस सिचुएशन से डील करके सो वेन यू हैव न्यूली एक्वाइर्ड नॉलेज यू डील सिचुएशन इन वेरी डिफरेंट एंड न्यू वे एंड न्यू वे इज बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट लर्निंग हम किस तरह से करते हैं यहां पर लर्निंग uh, के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ बाजात ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर पैटर्न को देख के हैरान हो जाते हैं बल्कि परेशान हो जाते हैं दे आर शॉर्ट अक्सर देखा ही जाता है कि लेट सपोज डेडी कम्स टू होम एंड ही मीट्स विद हिस्स

कि बच्चों ने बाहर किसी से ये अल्फाज सीखने हो या बच्चों ने बड़ों को डिस्कस करते हुए देखा हो और वहां से ये अल्फाज पिक कर लिए हों विच वॉज वेरी वेरी इंसिडेंटल इंसीडेंटल इन नेचर का मतलब ये है कि लर्निंग अक्सर अकात उस वक्त भी हो जाती है जब हम प्लान नहीं कर रहे होते हमारी इंटेंशन नहीं होती किसी चीज को टीच करवाने की और बच्चों की एग्जाम्पल बिल्कुल इस तरह से फिट बैठती है कि बच्चे अमूमन बहुत ज्यादा इंसिडेंटल लर्निंग करते हैं क्योंकि वो वाकत को गौर से देखते रहते हैं चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर लर्निंग करते रहते हैं सो देर इज अट ऑफ लर्निंग इंसिडेंटलिंग है जो so well. तो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं मिसाल के तौर तो पर हम बच्चों को ए बी सी सिखाते हैं या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं या हम मैनोरिज्म सिखाते हैं देर आर सो मैनी थिंगस वी आर टीचिंग टू द किड्स एंड इन दैट थेस that would become our intentional plan to teach something. And while the kid is trying to learn about these different concepts, then at that time, kid is also going through the intentional learning because the kids know that this is a time for us to learn about something. So they are not only making intentional learning, which means that they are striving to learn something, but they are also going through the process of incidental learning

जो आपकी अटेंशन को ग्रैप करने की कोशिश करता है क्योंकि आप फर्स्ट पेज के ऊपर खबरें पढ़ रहे हैं और वहीं पर वो एडवर्टीजमेंट होगा तो आपकी अटेंशन को ग्रैप करेगा और जब आप उस एडवर्टीजमेंट पर अपनी अटेंशन डालेंगे तो यू विल फाइंड आउट के अंडर द फैमिलियर ब्रांड नेम देर इज अ न्यू प्रोडक्ट बींग इंट्रोड्यूस्ड सो चांसेज आ कि आप उस एडवर्टिजमेंट की तरफ अटेंशन देंगे और उस एडवर्टिजमेंट से कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे हवेवर कुछ एडवर्टिजमेंट ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हम सीख करने की कोशिश करते हैं मिसाल के तौर पर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो आप गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर जहां पर मुख्त गाड़ियां जो बिक रही होती हैं, उनको एडवर्टाइज किया जाता है सो स्टूडेंट्स एडवर्टिजमेंट्स आर डिजाइन इन अ वे की वो लर्निंग को हाईलाइट कर सकें और लर्निंग को एनहैंस कर सकें लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लर्निंग की रेंज क्या है साइकोलॉजिस्ट में

लर्निंग ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है दीज फोर एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इंक्लूड एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड नंबर वन मोटिवेशन नंबर टू क्यूज नंबर थ्री रिस्पांस एंड नंबर फोर रोर्समेंट आइए स्टूडेंट्स इन चार एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि लर्निंग को बेहतर तरीके से करवाने के लिए इन चार एलिमेंट्स की प्रेजेंस क्यों जरूरी है और ये किस तरह से लर्निंग के प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं सबसे पहले बातचीत करते हैं मोटिवेशन के बारे में the जी the वो है जो किसी भी इंडिविजुअल को एक्शन करने पर मजबूर करती है स्टूडेंट्स इस हिसाब से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं मिसाल के तौर तो पर अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है औ, औ, और ये वो दिन है जिस दौरान आप ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है Certainly, your relevance to have, wo, mobile phone ke advertisements is much higher. And you come to notice all of the different advertisements that you come across not only in television but in magazines, newspapers, etc. You would be interested in catching information out of those advertisements. So it always uh, determines your relevance with a certain advertisement that would motivate you to go through that particular advertisement. जब आपकी रेलेवेंस होती है किसी प्रोडक्ट के साथ तो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स मार्केटियर्स के लिए इस पॉइंट के इंप्लिकेशन कुछ इस तरह से है कि मार्केटियर्स को स्टडी करना पड़ता है अपने टारगेट कंज्यूमर्स को कि प्रोडक्ट्स खरीदने के पीछे उनकी क्या बुनियादी मोटिवेशन है क्या वो स्टाइल की वजह से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं क्या प्रोडक्ट उनकी किसी बुनियादी जरूरत को फुलफिल करती है सो ऑल ऑफ दीज

Chihans, cues are so many different stimuli in our environment that direct our behavior towards certain things. For example, there could be an advertisement uh, that serves as a cue and suggests a specific uh, way to satisfy a certain motive. In the market, the styling, packaging, and store displays all serve as cues to help consumers to fulfill their needs in product-specific ways. Chihans. किसी भी रिटेल स्टोर के ऊपर आप जब जाते हैं या किसी भी प्रोडक्ट पैकेजिंग को आप देखते हैं और आ, आ, किसी भी प्रोडक्ट की स्टाइलिंग की इंफॉर्मेशन को जब आप देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको मुख्यलिफ क्यूज़ प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड्स काइंड ऑफ एक्शन स्टूडेंट्स तीसरा एलिमेंट हमने डिस्कस किया था दैट वॉज रिस्पॉन्स आइए देखते हैं कि रिस्पॉन्स कंज्यूमर साइकोलॉजी में क्या मतलब दिया जाता है रिस्पॉन्स मीन्स हाउ इंडिविजुअल्स रिएक्ट टू अ ड्राइव और अव how they behave constitutes their response <gösterges> mm -hmm. multiple cues jo hain or multiple drives jo hain individual ke impel karte hain towards certain action that particular action is the response of all of the motivation and the cues psychologists always are always interested in learning ke motivation and cues, an or which cues impact in individual ko impact cues important cues ban jate individual ke liye jo specifically usko ek khas action लेकर जाते हैं लर्निंग कैन अकर इवन मैन रिस्पॉन्स आर नॉट ओवर बाजा हम लर्निंग कर रहे होते हैं लेकिन हमारे रिस्पॉन्स से हमें यह पता नहीं चलता कि हम लर्निंग कर रहे हैं ये अमूमन उस वक्त होता है जब हम टेलीविजन के टॉक शोज देख रहे होते हैं या मिसाल के तौर पर अगर आप ये लेक्चर सीख रहे हैं लेक्चर सुन रहे हैं देर आर सो मेनी थिंग्स जो अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं क्योंकि इस लेक्चर के अंदर देर आर सो मच इन्फॉर्मेशन दैट इज हिटिंग यू इन मैनी डिफरेंट वेज

Students, uh, it is very easy for you to understand that there is a wide variety of cues available to the consumers out there in the market. Which cue they will pick up will actually depend upon the successful marketing of that particular product by a skilled marketeer. Students, here we talk about reinforcement, which is the final element of learning. Reinforcement is very important behavioral pattern. Is जब हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा जब कोई बड़ा आए तो उसको सलाम कीजिएगा नाउ द चाइल्ड लर्न दिस पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न एंड ही स्टार्ट प्रैक्टिस दैट जब वो इस बिहेवियर पैटर्न को प्रैक्टिस करता है ही फॉन्ड आउट उसको बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया जाता है बड़े जो है उसको बहुत प्यार से पेश आते हैं एंड समरली पीपल आर ऑल्सो एम्बूज टू सी आईंगड सही सलाम उम टू दीपल दिस एम्ब्यूज एंड देव वेरी हैप्पी अबाउट दट स्टूडेंट्स बच्चा आस्ता आस्ता ये रियलाइज करता है कि जब भी मैं इस बिहेवियर पैटर्न को इस्तेमाल करता हूँ प्रोजेक्ट करता हूँ तो इसके रिजल्ट में हमेशा मुझे कोई एप्रिसिएशन मिलती है और ये अप्रिसिएशन एक्ट करेगी एज ए फ्यूचर वे विशाल के तौर पर अगर आपको एक डिजिटल कैमरा की जरूरत है और इन द पास्ट यू हैव बिन यूजिंग डिफरेंट कैमराज बट यू हैव नूज द डिजिटल कैमरा तो हो सकता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करें और उन सारे ब्रांड्स को नोटिस करने की कोशिश करें जो आप इस्तेमाल करते रहे एंड देन यू वुड रिक्लेक्ट इन योर माइंड कि कौन सा ब्रांड ऐसा था जिसका कैमरा आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और जिसका रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे मे बी यू गो थ्रू द पिक्चर एल्बम ऑफ योर फैमिली एंड यू आर एबल टू पिन पॉइंट सर्ट पिक्चर्स जो बहुत खूबसूरत है जो बहुत अच्छी है और आपको अचानक से याद आता है कि ये तस्वीरें मैंने एक खास ब्रांड के कैमरे से खींची थी देन सडनली योर बिहेवियर वुड बी रोर्स सर्डनली यू वुड फाइन योर लाइक दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कैमरा और चांसेस हैं कि आप अपनी पास परचेस की वजह से या अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से उसी ब्रांड के डिजिटल कैमरा को खरीद लें सो री इन्फोर्समेंट का किरदार बहुत ज्यादा इंपॉटेंट होता है कंज्यूमर के परचेस डिसीजन के अंदर और कंज्यूमर्स हमेशा से अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करते हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस विद सर्टन काइंड प्रोडक्ट्स और अगर वह एक्सपीरियंस अच्छे हों तो वह बिहेवियर पैटर्न री इन्फोर्स हो जाता है स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये चार एलिमेंट्स जो है इनको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है और लर्निंग कंडीशंस को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि कंज्यूमर्स मार्किटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको लेक्चर uh, के अगले पार्ट की तरफ लेके जाना चाहूंगा एंड वी विल डिस्कस टू इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग द टू इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग दर अर टू इन दिस लेक् वन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड नंबर टू इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग I.A. in theories one by one discuss katdeh. Students, uh, classical conditioning or uh, instrumental conditioning are basically the learning theories. Learning theories were coined by a school of psychology that was called behaviorism. Behaviorism is a very important school considered in psychology and their uh, areas of concentration and areas of focus have had always been stimulus and response. Jihan. और रिस्पॉन्स की मिसाल कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर आपको भूख लगी है like आपको अपने एम्प्टी स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन uh, महसूस होती हैं, जो आपको भूख का एहसास दिलाती हैं, और आपका रिस्पॉन्स होता है कि आप फूड को सर्च करते हैं और इवेंचुअली यू टेक फूड एंड यू फुलफिल योर हंगर सो स्टेमस इज ऑल दो Behavioral learning theories are often referred to as stimulus learning theories because they are based upon the premise that observable responses to specific external stimuli signal learning. A child who relaxes at the image of his uncle has learned attachment response with his uncle. But the small little babies, every time they look at their mom, they feel relaxed. If they are crying, they would go silent and, may, and maybe they would start giving innocent smiles. However, when a new person comes in their environment, which may happen to be his uncle, and he is not used to seeing him, then he might start feeling distressed and he might start crying. However, after some time, the uncle starts playing with the child, with the kid, and the kid learns to relax in the presence of, the, uh, in the presence of that particular relative. So in this way, this kid has learned a new behavior. टू बी फ्रेंड्स विद ए न्यू पीपल टू बी फ्रेंड्स विद्रेंजर्स एंड ये फील रिलैक्स इन देअर कंपनी सो जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो हमें एक ओवर रिस्पॉन्स चाहिए होता है और उस ओवर रिस्पॉन्स के होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो हो चुकी है स्टूडेंट्स लर्निंग थेरीज के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट थेरीज हमने इंक्लूड की है विच आर क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस करने के लिए मैं वट डू थिंक दर्ड कंडीशनिंग मीन्स दर्ड कंडीशनिंग मिसाल के तौर तो पर अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है कि जब बड़े नजर आए तो आप उनको सलाम कीजिए और बच्चे जब इस बिहेवियर को रिपीट करते हैं और तो वह बिहेवियर उनके जहन में बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है और जब ये बिहेवियर uh, ये रिस्पॉन्स उनके जेहन में पक्का हो जाता है तो एवरी टाइम दे अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सटेंडिंग देयर क्रीटिंग सो हम अपने तजर्बा की वजह से अपने रिस्पॉन्स uh, को कंडीशन करते हैं सर्टेन स्टेमलाय के साथ मिसाल के तौर पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी एग्जाम्स हों तो आपको पढ़ाई करनी है आपको मेहनत करनी है सो इन रियल लाइफ एनी दैट लुक्स लाइक एन एग्जाम You, your immediate response would be to suddenly start preparing and certainly start working hard so that you could pass through that exam students classical conditioning ke reference mein discuss uh, karenge a russian psychologist whose name was ivan pavlov ivan pavlov was the first psychologist who came to be using the word conditioning to explain the process of learning however because, before we go into the detail of classical conditioning i would like to take the start with one experiment that Pavlov conducted in order to find out what exactly learning is, I once simply took some hungry dogs. Yes, hungry dogs. They were kept hungry for quite a while, or one time, it happened those dogs had a lot of motivation thi kuch khane ke liye. And at that point, Pavlov took the meat paste, and he meat paste on uh, the hungry dogs' And as soon as the meat paste was put on the hungry dogs' ki दोलाईवे उनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया पेबलॉप डिड दिसम एंड न्यू थिंग पैबलॉप टू दंगरी डॉग्स और उन हंगरी डॉग्स के सबान के ऊपर मीट पेस्ट लगाने से पहले पैबलॉप ने एक घंटी बजाई और द रिस्पॉन्स वॉज द सेम मीट पेस्ट लगने के बाद डॉग्स ने स्लाईवेट करना शुरू कर दिया बटन पेबलॉब के उन रिपीटेड ट्रायल्स के अंदर मीट पेस्ट के साथ वो हमेशा कंबाइन करता था एक बेल को अगर हम पेबलॉब के एक्सपेरिमेंट को पेबलॉब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखें तो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, द साउंड ऑफ अ बेल इज अंडीशन स्टेमुलस एंड एप्लीकेशन ऑफ मीट पेस्ट ऑन द डॉग स्ट इज एन अनकंडीशन स्टेमुलस हाँ एप्लीकेशन ऑफ मीट पेस्ट इज सिंपली सर्विंग द फूड इन अ वेरी डेलीकेट वे टू द डॉग which is not going to fulfill his nutritious needs, or neither is it going to fulfill his hunger need, the way it is very strong within the dog. however, this uh, uh, application of the paste would always let the dog slide with it. however, bells would never let the dog slide with it. so pavlov combined the application of meat with the sounding of the bell. students pavlov made a uh, repeated trials and after repeated trials, he removed the unconditioned stimuli, which was the application of the meat paste. And this time around, he just took the hungry dogs and he rang the bell, and the dogs automatically started salivating. Which means that Pavlov took a stimulus which was ringing the bell and he conditioned it with the unconditioned stimulus. And when the conditioning had taken place, it simply was enough to ring the bell for the dogs to salivate. So that way, a relationship was defined between the conditioned stimulus and the conditioned response. Students, if experiment, we see slide. Hai. The first thing is unconditioned stimulus, which is meat paste. The second thing is conditioned stimulus, which is a bell. Now, both of these stimuli are combined with each other to get the unconditioned response, which is salivation. After repeated trials the conditioned stimulus bell was enough to get the unconditioned response which is salivation students is experiment a learning understanding ke revolution and psychologists for the first time were able to understand learning from a very powerful perspective get ahead learning ko decompose elements ke then aur साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ ऐसे टूल्स भी आ गए जिसके, जिसको अप्लाई करके जिनको मेनिपुलेट करके वो लर्निंग के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकते थे कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टीचिंग कंज्यूमर्स अबाउट सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स। आइए देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल को कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एट सिक्स ए न्यूज बुलेटिन ऑन द टेलीविजन That is exactly the time when people start coming back to their homes from the offices, and when they enter in their homes, guess what? Beautiful aroma of the dinner being prepared. Sara din karni ke baad jab ap kharki ender daakhse hote hain aur kharki ender khana pakra hota hai aur ka to us beautiful aroma ki wajah se apke muhme pani aana Suddenly you realize that apko bahut zyada Yet there is some time while the food will be prepared and at that time you turn on the television and there is six o'clock news. So this happens with you for a few days and then eventually you come to realize that every time I enter home there is the dinner being prepared and there is the aroma and then you turn on the television and there is always six o'clock news. Chances are that the one day when the cook is not at home and he has not prepared anything you come to home at 6 o'clock, you turn on the television and just watching the 6 o'clock news, you start slivating. You start feeling like eating something. And guess what? At that time during the 6 o'clock news bulletin, there is a break and there is an advertisement of a certain fast cooking recipe. You would be interested in learning about that fast cooking recipe. So this way, uh, the unconditioned stimuli is combined with the conditioned stimuli. Just automatically, and your response is searching for the food. Your response is getting, uh, paying more attention to a certain advertisement. Students, uh, consumer psychologists ke liye, classical conditioning ke method ke kuch, uh, important applications हैं. आइए देखते हैं classical conditioning के method के अंदर वो important applications हैं consumer psychologists बहुत बेहतर तरीके से in order to tune their consumers students, the three important uh, applications of the concept of classical conditioning are, number one, repetition, number two, stimulus generalization, and number three, stimulus discrimination. when we talk about the repetition, it is very simple. all those behavioral patterns that will be repeated will be reinforced. you might come to remember uh, learning about the tables. The tables like two times two is equal to four. Every child has to go through a time period when he or she is learning about the tables. And when you learn about the tables you tell the teachers, your teachers or parents you tell you that you have repeat these tables over and over again. So that those uh, tables will be imprinted in your mind very strongly. और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वो टेबल्स याद हो जाते हैं उस रेपटेशन की वजह से इसी तरह से आपने बिल्कुल इस तरह से देखा होगा कि बास तफा टीवी के अंदर या अखबारों के अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो बार बार चलाए जाते हैं जो बार बार अखबारों के अंदर नशर किए जाते हैं लेकिन टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ये बात स्पेसिफिक होती है कि बात आप टेलीविजन ऑन करते हैं तो आपको एक खास एडवर्टाजमेंट नजर आता है एंड सेम एडवर्टीजमेंट उस एडवर्टाजमेंट को आपको बेशुमार दफा दिखाया जाता है मार्केटियर्स अग टू विद यू आपके ख्याल में इतनी ज्यादा रेपिटेशन से मार्केटियर्स क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं आप जब भी uh, टेलीविजन को ऑन करते हैं आपको वो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है सुनने को मिलता है और फिर बेशुमार प्रोग्राम्स के अंदर जब ब्रेक्स आती है तो आपको वो एडवर्टाजमेंट फिर से देखना पड़ता है तो आपके ख्याल में मार्केटियर्स दरअसल क्या करना चाह रहे होते हैं जी हाँ मार्किटियर्स उस एडवर्टीजमेंट को इतनी दफा रिपीट करना चाहते हैं कि टारगेट कंज्यूमर्स को उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में वो जबानी असपार हो जाए ताकि जब भी वो कंजम्पशन सिचुएशन के अंदर आएं या परचेज सिचुएशन के अंदर आएं तो उनके जहन में उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड के बारे में वह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल हो सो दिस इज वाई मार्केट यर्स टू यूज द

कि किसी एक एडवर्टाजमेंट को कितनी दफा रिपीट किया जाए जिसकी वजह से लर्निंग बेहतर हो जाएगी यहां पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो आपको आपका बहुत ज्यादा खाने का दिल चाहता है इमेजिन दैट वन डे यू आर वेरी वेरी हंगरी एंड यू गो टू आर रेस्टोरेंट एंड यू ऑर्डर द फूड और आप इतना खाना खाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपका पेट बहुत ज्यादा भर जाता है और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप مزید खाना खाएं तो आपका दिल बिल्कुल नहीं चाहेगा उस खाने को खाने के लिए या किसी भी टेस्टी फूड को आपके सामने रख दिया जाए आप उसको नहीं खा सकेंगे उसकी वजह यह है कि आपका पेट भर चुका है एंड दिस इज कॉल्ड बींग सो एडवर्टीजमेंट के साथ भी बाजुकात इस तरह से होता है कि एक एडवर्टिजमेंट को जब बहुत दफा चलाया जाता है तो कंज्यूमर्स की जो ड्राइव है उस एडवर्टिजमेंट को देखने की या उस एडवर्टिजमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन हासिल करने की वो तकरीबन खत्म हो जाती है और वो एडवर्टिजमेंट एक मीनिंगलेस एडवर्टिजमेंट बन जाता है उनके लिए सो so, मार्केटियर्स के लिए बहुत जरूरी होता है ये बात समझना कि किसी एडवर्टीजमेंट को कितनी दफा दिखाया जाए और अगर एक एडवर्टीजमेंट को बहुत ज्यादा दफा दिखाया जाता है तो चांसेस हैं कि वो एडवर्टिजमेंट वियर आउट हो जाए द इफेक्ट थ्रू विच यू स्टार्ट लूजिंग यूर अटेंशन इनटन एडवर्टीजमेंट आफ्टर बींग एक्सपोज टू बींग एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट फॉर सो मैनी टाइम्स इज कॉल्ड The wear-out effect, and marketers would always try to save themselves from the wear-out effect. So the question is, can advertisement ko kini defa dikhaa ya dia hai? Students yaha par marketers ke or consumer psychologists ke different views hain, lekin ek popular theory jo hain jo yaha par ki jati hai, that is called the three-hit theory. Three-hit theory means ke kisi bhi advertisement ko aap three defa dikha sakte hain. Uh, तीन दफा दिखाने का मकसद ये होता है कि फर्स्ट एडवर्टीजमेंट के अंदर यू मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट इन द सेकंड प्रोजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट यू शो कंज्यूमर द रेलिट ऑफ द प्रोडक्ट्स विद लाइफ एंड विदर नीड्स एंड इन थर्ड एपिसोड ऑफ दैट एडवर्टिजमेंट यू रिमाइंड प्रोडक्ट बेनिफिट सो बास मार्केट का ख्याल ये है कि किसी भी एडवर्टीजमेंट को जब तीन दफा दिखाया जाता है तो वो अपना इम्पैक्ट पूरा कर देता है और वो अपना रोल प्ले कर देता है लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी मार्केटियर्स हैं और कुछ ऐसे भी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका ख्याल है कि किसी एडवर्टिजमेंट को कम अज कम 11 से बारह दफा दिखाया जा, जाना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स उस इंफॉर्मेशन को हसम कर सकें उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकें और उस इंफॉर्मेशन के साथ एसोशिएट कर सकें स्टूडेंट लेकिन इस सारी लर्निंग के बावजूद आपने देखा होगा कि टेलीविजन के ऊपर एडवर्टिजमेंट مسلسل चलते रहते हैं ये क्यों होता है दरअसल लर्निंग के लिए रेपिटेशन उस वक्त ज्यादा इस्तेमाल की जाती है जब कम्पटिटिव एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज्यादा हो मिसाल के तौर तो पर दो कम्पटर्स अगर आप उसमें कम्पीट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक दूसरे के एडवर्टिजमेंट के हिसाब से अपनी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन को डिसाइड करना क्योंकि हमारी लर्निंग के साथ एक प्रोसेस ये भी होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को भूलना शुरू कर देते हैं मिसाल के तौर तो पर अगर मैं आपको अभी कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में बताना शुरू कर दूं और इन द मिडल ऑफ लेक्चर आई स्टार्ट टीचिंग यू अबाउट द मार्केटिंग तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में जो कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है वो इन्फॉर्मेशन आपके जहन से उतरना शुरू हो जाएगी और आप मार्केटिंग के बारे में सीखना शुरू कर देंगे सो कम्पेटेटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द मार्केटियर्स इन ऑर्डर टू डिटर्मिन एक एडवर्टाइजमेंट को कितनी दफा दिखाया जाए और यूजली कम्पेटेटिव एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी को डिजाइन किया जाता है और डिटरमिन किया जाता है स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि एडवर्टाजमेंट वियर आउट इफेक्ट को मार्केटियर्स किस तरह से डील करते हैं एक एडवर्टाइजमेंट जब बेशमार दफा चलता है तो इवेंचुअली वो एडवर्टाइजमेंट मीनिंगलेस हो जाता है ये वो पॉइंट होता है जब मार्केटियर्स को कुछ ना कुछ कोई सर्जरी करनी पड़ती है उन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ताकि वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर दोबारा से अपील पैदा हो जाए आपने अक्सर आ, आ, देखा होगा कि लोग पुराने गानों के रीमेक्सप्रेशन सुनते हैं पुराने गाने लोगों ने बेशुमार दफा सुने होते हैं लेकिन जब री मेक्सपर्शन एक पुराने गाने का आता है तो उसका मतलब यह होता है कि उस गाने के अंदर एक नई अपील पैदा हो गई है अब वो गाना तो सेम है उसकी ट्यून सेम है उसकी वर्डिंग सेम है उसका थीम सारा कुछ सेम है लेकिन म्यूजिक जो है वो एकदम से बहुत तेज हो गया है या एकदम से बहुत मॉडर्न हो गया है जिसकी वजह से

और इसके जरिए अक्रॉस डिफरेंट एडवर्टिजमेंट्स ना सिर्फ वो नॉवल्टी पैदा करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में बल्कि अपील पैदा करते हैं और चांसेस ये होते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट से दूसरे एडवर्टाइजमेंट के सीक्वेंस की तरफ जाते वक्त कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा उनका मोटिवेशन लेवल बरकरार रहेगा और लर्निंग जो है उस इन्फॉर्मेशन की जो उस एडवर्टाइजमेंट में प्रजेंट की जा रही है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी स्टूडेंट्स so दूसरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था दैट वॉज कॉल्ड जनरलाइजेशन। आइए देखते हैं इंप्लीकेशन मार्केटिंग साइकोलॉजी के अंदर या कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर क्या हो सकती है बाजू का आपने देखा होगा कि किसी की किसी स्टेब्लिश ब्रांड्स की कॉपीज मार्केट के अंदर बिकना शुरू कर देती है दीज कॉपीज आर एक्चुअली me too products are the cheap copies of some established brand of a product. Sometimes me too products succeed because of the stimulus generalization process, because consumers confuse them with original products that they have seen before. Misal ke tarpe, bahut se aise log jo cola drinks ko pasand karte hain, agar ab unko ek cola drink glass me dalke den, to shayad wo us cola drink ke brand ke baare mein apko na bataskein, kyunki cola drinks ke Uh, जो टेस्ट हैं वो आपस में इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड्स के बाद अकात ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स को अगर ना बताया जाए कि ये कौन सा कोला ड्रिंक है तो वो शायद आपको सही तरीके से नाम बता सकें दिस इज रिजल्टिंग स्टिमुलस जनरलाइजेशन। लेकिन इसकी जो बड़ी इम्प्लीकेशन है वो ये है कि मी टू प्रोडक्ट जो होती है जो चीप कॉपीज ऑफ द ब्रांड्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में स्टेब्लिश हो जाती है और किसी हद तक कामयाबी हासिल कर लेती हैं The third process we discussed that was called stimulus discrimination. Stimulus discrimination is actually the opposite of stimulus generalization, which means that uh, the opposite of stimulus generalization happens in a way that results in selection of specific stimulus from amongst the similar stimuli. For example, if you talk about the dog experiment, the dog learned to slive it on the sound of the bell. He also learned to slive it on the jangling of the keys. Like in the drum beat the dogs would never slive it. Because dogs are able to successfully discriminate between different kind of stimuli. Which in this case the jangling of the keys and the sound of the bell are very close to each other, but the sound of the drum is absolutely different. So based upon the process of stimulus discrimination.

कि वो एमएच जो है वो दूसरे कंपेटिटिव ऑफरिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो मिसाल के तौर तो पर अगर हम कोला एडवर्टिजमेंट की बात करते हैं तो एक कोला एडवर्टीजमेंट को दूसरे कोला ड्रिंक के एडवर्टिजमेंट से इतना ज्यादा डिफरेंट होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकें दोनों किस्म के कोलाज के अंदर इवेंचुअली स्टूडेंट्स वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ और uh, हमने आज डिस्कस किया लर्निंग को और क्लासिकल कंडीशनिंग को अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अवे फॉर द लिंक्ड टू द मोस्ट सैटिस्फैक्ट्री रिस्पांस विल बी लर्न व्हिच मीन दैट ऑल दो दैट आर लिंक्ड टू द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स आर एक्चुअली लर्न मिसाल के तौर तो पर जब कंप्यूटर uh, पैगिंग करता है किसी uh, और उस पैगिंग के रिजल्ट के नतीजे में उसको फूड मिलती है तो कबूतर के अंदर पैगिंग का बिहेवियर जो है वो इस तरह से रीनफोर्स हो जाता है प्रोसेस फूड सो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न इज रीनफोर्ड और रिवॉर्डेड बाई बाय प्रोवाइडिंग दिजन विदूडेंट्स यहाँ पर वक्त खत्म हुआ चाहता है हम अप, आ, अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिकल कर, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को आप इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि